तो क्या करना है अपने जीवन के अनुभव को देखो पिछले दस सालों में आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं आई है आपके बच्चों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। जो गांव में पाठशाला है वो पहले से अच्छा हुआ कि नहीं मैं जानती हूं आपके यहां बघेल जी ने बताया मुझे कौन सा पाठशाला आत्मानंद आत्मानंद पाठशाला में आपको मुफ्त मिल रही थी शिक्षा भाजपा की सरकार आई अब फीस भरनी पड़ रही है तो यह किसका अनुभव है आपका अनुभव है आपको रोजगार छूट रहे हैं क्योंकि भाजपा की सरकार बड़े बड़े खदान बड़े उद्योगपतियों को दे रही है किसका अनुभव है आपका अनुभव है कोई बीमार पड़ता है स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है पैसा नहीं है इलाज के लिए किसका अनुभव है आपका अनुभव है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी 25 लाख तक इलाज फ्री मिल रहा था ये जनता का अनुभव है तो आपका जो अनुभव है ना सबसे जरूरी सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है संविधान जो है इस देश का इसने यही आपको शक्ति दी है कि जब आपका अनुभव सही होता है आप जागरूक रहते हैं तो आप वोट डालते हैं अपने नेता को चुनने के लिए आज यही नेता मोदी जी क्या कह रहे हैं संविधान को बदल डालेंगे खुद तो नहीं कह रहे खुद इसको नकारते हैं लेकिन जो इनके नेता जाके चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव में उम्मीदवार बने हैं जो इनके मंत्री हैं ये कह रहे हैं चार सौ हमें सीट दे दो इस बार देख लेना हम इस बार संविधान को बदलेंगे अब जब ये बात कुछ समुदायों में फैली जैसे आपका जो समुदाय समुदाय है आदिवासी समुदाय है इसको बहुत शक्ति आपको बहुत शक्ति दी है संविधान में अब जब ये बात फैलने लगी तो इनको लगा मोदी जी को अब हम संकट में आ जाएंगे क्योंकि जनता को ये बात पसंद नहीं आ रही है जनता को ये अच्छी नहीं लग रही है बात कि हम कह रहे हैं हम संविधान बदल के जनता के अधिकारों को कमजोर करेंगे तो अब मोदी जी मंच पर खड़े होके कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन बात शुरू तो इन्होंने करवाई है छोटी छोटी जगहों में इनके छोटे छोटे नेता ये बात कर रहे हैं तो देखिए ये इनका सिलसिला होता है बहुत बार इन्होंने ऐसा किया है पहले ये नकारते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे जैसे ही सत्ता में आते हैं वही चीज़ करते हैं जिसको नकार रहे थे और ये हर स्तर पर आपके अधिकारों को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं दस सालों से ये सारी बातें जो है ना जो देश की संपत्ति